फ्रेंड्स, हमारे पास अक्सर बहुत सारे दुपट्टे ऐसे रहते हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, या तो उनके साथ के सूट फट गए होते हैं, या वो हमने ऐसे ही खरीद लिए थे कि सूट ले लेंगे बट वो ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो आज यही मैं बताऊंगी कैसे इन्हें यूज़ करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गॉर्जियस हब। मैं उर्मिला, गॉर्जियस हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो दुपट्टों से रिलेटेड है कि हम इन्हें बिना काटे बिना सिले कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं अच्छे अच्छे आइटम्स आपको बनाना बताऊंगी इन दुपट्टों से, वो भी बिना सुई धागे की मदद से और बिना कैंची की मदद से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट करके बताना मुझे कि आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं जो इस्तेमाल करूंगी वो है ये दुपट्टा। कितना खूबसूरत है ना ये। इसके चारों तरफ यानी कि बॉर्डर में गोटा लगा हुआ है, गोटा पत्ती वाला काम है। इसको मैंने फैला लिया डबल करके, बोलस्टर इस पे रखा और बोलस्टर को मैंने ऐसे रोल किया टाइट करके। और अब मैं क्या करूंगी, एक रबर ले लूँगी और यहाँ पर इसको चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से यहाँ से ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। इक्वल इक्वल कर लेना है हमें, ध्यान से कि आगे पीछे ना रहे जो इसके किनारे हैं। अब इसी तरह से मैं दूसरी तरफ से भी कर दूंगी और फटाफट मिनटों में हमारा एक बोलस्टर कवर सुंदर सा तैयार हो जाएगा। तो देखने में भी खूबसूरत लगता है, बनाने में बहुत आसान है, ना सिलाई की ज़रूरत पड़ी ना कैंची की ज़रूरत पड़ी, और रखा हुआ तो इतना खूबसूरत लगेगा कि आप खुद ही कहेंगे कि हाँ बढ़िया लग रहा है। लग रहा है ना बढ़िया? कमेंट करके बताना आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा। अब नंबर दो में मैंने एक ग्रीन कलर का दुपट्टा लिया है जिसे मैंने अच्छे से फैला लिया है। इसके ऊपर मैंने रखा कुशन। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी लेकिन इसको मैं उल्टा रख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर जिप थोड़ी सी दिख रही है। तो अब इसको इस तरह से करके मैं सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर दूँगी। आप फिक्र ना करें, ये किसी को चुभने वाली नहीं है क्योंकि ये उल्टी तरफ होगा, मतलब पीछे की तरफ रहेगा। दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही लगा दूंगी पिन को। सेफ्टी पिन लगाने की वजह से ये हिलेगा नहीं। अब इधर से जो कपड़ा है लंबाई में उसको मैं ट्विस्ट कर लूंगी अच्छे से। तो जैसे यहाँ पे किया है दूसरी तरफ से भी ऐसे ही कर लूंगी और बिल्कुल आप वैसे ही बनाना जैसे मैं बनाती जा रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं, सेफ्टी पिन, बट मैं अंदर ही मोड़ रही हूँ। और देखिए हमारा एक सुंदर सा कुशन कवर तैयार है और रखा हुआ तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। तो ये देखिए, उम्मीद है आपको ये भी पसंद आया होगा। अब थर्ड नंबर पर मैंने जो दुपट्टा लिया है वो है कॉटन सिल्क का और इसकी चौड़ाई कुछ कम है, तो इसे मैंने रख लिया है। इसके ऊपर मैंने तकिया रखा और साइड से इसको कवर करने की कोशिश करी जितना भी हो सका और मैं इसको फिर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूंगी। ये भी उल्टी तरफ है तो सेफ्टी पिन नुकसान नहीं देगी, नहीं चुभेगी किसी को भी। तो बस इस तरह से इस तरफ लगाया और दूसरी तरफ लगाया, ऐसे ही ऊपर लगा दूँगी। और फिर क्या करूँगी मैं, जो ऊपर का कपड़ा है उसको इधर की तरफ कर दूँगी और इसके ऊपर दूसरी तरफ वाला कपड़ा कर दूंगी और फिर इसको भी अच्छे से सेट करके सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूंगी। तो जो लुक आएगा वो देख के आप वास्तव में हैरान हो जाएंगे, लगेगा ही नहीं कि ये पिलो कवर नहीं है। तो अगर किसी को पता नहीं चलता है तो भी अच्छी बात है, और पता चलता है तो भी अच्छी बात है कि आपकी तारीफ ही होनी है कि आप कैसे जुगाड़ कर लेते हो और यूज़लेस चीज़ों को भी इस्तेमाल कर लेते हो। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये रखा हुआ, मैं दिखा देती हूँ आपको, लग रहा है ना अच्छा। तो ये था नंबर तीन। अब चलते हैं हम नंबर चार की तरफ। तो इसमें भी मैंने एक दुपट्टा लिया पिंक कलर का, इसको मैंने डबल करके रखा है और इसके बीच में मैं रखूँगी कुशन। ये भी एक कुशन कवर बनेगा। तो यहाँ कुशन रखा मैंने और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ कर दिया और फिर नीचे से ऊपर करने की
बाद ऊपर से नीचे की तरफ कपड़ा करेंगे, इसको अच्छे से सेट करेंगे, और जो कुशन कवर का डिज़ाइन बन के आएगा वो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। बस आप देखते जाइए और ऐसे ही करना, तो ये भी सबको पसंद आएगा। तो कहिए कैसा लगा नंबर 4? अच्छा लग रहा है ना? चलिए मैं दिखा देती हूँ ये रखा हुआ कैसा लगेगा। तो ये देखिए इसका लुक इस तरह से आ रहा है। चलिए नंबर 4 के बाद अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे भी मैंने ये दुपट्टा जो लिया था इसे डबल कर लिया, और क्योंकि इसके टेसल्स जो है अच्छे से नहीं है, अच्छे नहीं लगेंगे, मैंने इन्हें ऊपर की तरफ मोड़ दिया है और फिर रखा है कुशन। और पहले की तरह ही यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको किया और गांठ लगा देंगे। गांठ बस अच्छे से लगाना है और हमारा एक सुंदर सा कुशन कवर तैयार हो जाएगा, जो कि रखा हुआ भी अच्छा लगेगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसे पूरा करके। कहिए कैसा लगा आपको? उम्मीद है ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं हम आइटम नंबर 6 की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है मुड्डा, जिसका मैंने पहले भी यूज़ दिखाया था, मैसी के जब मैंने यूज़ दिखाए थे उसमें भी इसका इस्तेमाल किया था। इसके ऊपर मैंने पहले से ही गद्दी रख ली है, और अब मैंने यहाँ पे एक दुपट्टा लिया है जिसको मैं डबल कर लूँगी, लेकिन इसको मैं उल्टी तरफ रखूंगी ऊपर और सीधा अंदर की तरफ। तो ये जो हमारा हिस्सा है ये अंदर सीधा है और ऊपर उल्टा है, तो ये सीधा ये उल्टा। अब मैं क्या करूंगी, सेफ्टी पिन से इसको बंद कर दूंगी, मतलब जो इसके किनारे हैं। तो एक सेफ्टी पिन मैंने यहाँ पे लगाई, एक बीच में लगाई और एक नीचे लगाई। तो इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया है, और यहाँ पे जो भी मेरा ये मूड़ा है या मुद्दा है इससे मैंने हाइट नाप लेनी है, लेकिन ऊपर से इकट्ठा करते हुए कपड़े को हाथ में इस तरह से, ताकि ये बराबर बराबर सा रहे। अब मैं यहाँ पे हाइट नाप रही हूँ, तो हाइट से थोड़ा सा नीचे रखना है और एक रबर बैंड चढ़ा देनी है। रबर बैंड चढ़ाने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है उसको खोल कर मैं इसके ऊपर उल्टा करके रख दूंगी इस तरह से फैला के, और फिर ऊपर वाला जो ज़्यादा वाला हिस्सा था उसको नीचे ले आई। सॉरी पूरी तरीके से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन समझ में आपको आ ही रहा होगा। नीचे जो भी हिस्सा बचा उसको मैं फोल्ड हाथ में पकड़ के अच्छे से टाइट करके रबर चढ़ा दूंगी। अगर आप चाहें तो नेफा बनाकर नाड़ा या डोरी जो भी है वो डाल सकते हैं और उसे यहाँ पे बांध सकते हैं, जैसे मैंने नाइटी रीयूज में बताया था वैसे आप कर सकते हैं। मैंने तो बस ऐसे ही रबर बांध दिया। अब इसको सजाने के लिए हम एक लेस ले लेंगे और इसको पिनअप कर देंगे पीछे की तरफ। वैसे मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ बांध दिया है, देखिए लुक कितना प्यारा और लग रहा क्योंकि है। अंदर हमने एक कुशन रख दिया है तो ऊपर से सॉफ्ट भी काफ़ी है, तो जो भी बैठेगा उसे अच्छा लगेगा। आप चाहें तो ऊपर से भी कुशन रख सकते हैं, और देखने में कितना प्यारा लग रहा है। आप इस तरह से बाल्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी ड्रम को भी सजा सकते हैं, तो जैसा भी आपका दिल करे। उम्मीद है ये आइडिया भी आपको अच्छा ही लगा होगा। अब है आइडिया नंबर 7। तो यहाँ पे मैंने दुपट्टे को डबल कर लिया और इसमें कुशन रख के इसको मैं इस तरह से कवर करूंगी। बस यहाँ पर हम बीच में चूड़ी या कड़ा रख देंगे,
सेंटर में हो वो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऊपर से चढ़ा देंगे रबड़, इसको अच्छे से टाइट करते हुए। तो ये देखिए कितना प्यारा लुक आता है इसका, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये दुपट्टे से आपने बनाया है और रखा हुआ भी बहुत ही सुंदर लगता है। उम्मीद है ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा, नहीं तो आप पीछे की तरफ से इस तरह से भी लगा सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कुशन कवर नहीं है। तो है ना ये भी बढ़िया आइडिया। चलिए देख लेते हैं कि ये रखा हुआ कैसा लग रहा है। अब है आइडिया नंबर 8। इसमें मैंने एक पतला सा ब्लैंकेट लिया है जिसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, वो भी लंबाई में। अब लंबाई में जो मैंने इसको फोल्ड किया था, इसको अब मैं रोल करूँगी इस तरह से पूरा लंबा लंबा। तो आप चाहें तो टॉवल ले सकते हैं या बेडशीट ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको बना लेंगे हम कॉइल की तरह। ये देखिए कुछ इस तरह से, और इसको अंदर की तरफ कर देंगे जो एंड है ना इसको। अब इसको रखेंगे एक तरफ, और मैंने दुपट्टा ले लिया यहाँ पे, डबल कर लिया है इसको, और इसके बीच में से मैं उठा के इस पे चढ़ा दूंगी रबड़। तो कुछ इस तरह से चढ़ाऊंगी रबड़। अब दुपट्टे को उल्टा करके जो हमने तैयार किया था उसको रख देंगे, और वो जिस पे रबड़ चढ़ाई थी बीच में होना चाहिए, और सारा कपड़ा जो इधर उधर का था हम इसके बीच में डालेंगे। इस तरह से ठूस देंगे इसको, और पिछली तरफ से हम रबड़ हटा देंगे, इसको अंदर की तरफ ठूसेंगे, और फिर जब ये कपड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा, मतलब इधर की तरफ आ जाएगा, तो हम इस पे चढ़ा देंगे फिर से रबड़ बैंड, जिसे छल्ला भी बोलते हैं। तो बस हमें रबड़ बैंड चढ़ा देना है, और एक हमारा सुंदर सा कुशन तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लगेगा ये। है नंबर 8। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दुपट्टे में गांठ लगा दिए, दोनों एंड जो है उनको जोड़ दिया है, बंद कर दिया है, मतलब पिन वगैरह नहीं लगाई, क्योंकि ये हिस्सा हम पीछे की तरफ रखेंगे। और अब मैं बना रही हूँ सिलेंडर कवर। तो इसको मैंने उल्टा कर लिया है, और इस तरह से ऊपर से इक्वल कर लिया है, और सिलेंडर की हाइट से नाप लेंगे, उससे थोड़ा नीचा ही रखेंगे हल्का सा, और ऊपर से मैं चढ़ा दूंगी रबर बैंड, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार किया है, नाइटी के रियूज में भी ऐसे ही किया था। यहाँ पे मैंने एक पलाई रख दी है, उसके ऊपर गद्दी रख दी है, यानी कि एक कुशन रख दिया है। जो हमने ये दुपट्टा था इसको इस तरह से उड़ा देंगे। तो आप चाहें तो कुशन ना भी रखें, सीधा पलाई के ऊपर रख सकते हैं, और कोई भी चीज़ इसके ऊपर रख के सजा सकते हैं। लेकिन मैंने इस हिसाब से किया है कि कोई बैठना चाहे तो बैठ भी जाए। और यहाँ पे मैं एक लेस लेकर बांध के दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से लगेगा ये। तो है ना ये भी बढ़िया आइडिया। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करना। चलिए बढ़ते हैं आइडिया नंबर 9 पर। तो यहाँ पर मेरे पास है एक सिल्क का दुपट्टा, बनारसी टाइप है ये। तो इसका मैं क्या करूँगी, इसको मैं फोल्ड कर लूँगी लंबाई में, और इसको मैं बनाऊँगी बेड रनर। तो बेड पर आप डाल सकते हैं, तो आपके बेड पर अगर सिंपल सी भी बेडशीट पड़ी है तो उसके लुक को ये एनहांस करेगी, और आपका बेड सुंदर लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेड पर डाल दिया है, अच्छे से सेट कर दिया है, और मेरे बेड का लुक ही बदल गया है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। और सभी चीज़ें, मतलब जो मैंने अभी तक कुशन बनाए थे, तो वो कुशंस वगैरह कैसे लग रहे हैं ना बढ़िया। तो काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, अभी आगे भी है, अभी मत जाना, और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। तो क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। लग रहे हैं ना सभी बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं आइडिया नंबर 10। यहाँ पे मेरे पास है फ्रिल वाला दुपट्टा, इसको मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है, मतलब पहना नहीं है। तो सोफ़ा कम बेड है ये मेरा, इसके ऊपर वाले हिस्से पे मैं इसे अच्छे से लगा दूंगी, टक कर दूंगी। तो इस तरह से थोड़ा सा ऊंचा रखकर, और बीच में जो बचा है फालतू का कपड़ा, इसकी मैं प्लीट्स डाल दूंगी छोटी छोटी, दो राइट हैंड पे और दो लेफ्ट हैंड पर।
तरह से सोफे का लुक ही बदल जाएगा और हमारा सोफा सज जाएगा। जैसे मैंने बताया कि ये सोफा कम बेड है, तो इस तरह से आप नए नए दुपट्टे लगा के उसे सजा सकते हैं, अपने सोफा कम बेड को या सोफा को, और कंट्रास्ट में हो तो और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे अपने कुशन्स रख के दिखा देती हूँ कि पूरा सोफा कैसा लगेगा कुशन्स रखने के बाद। उम्मीद है ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। पूरा लुक ही चेंज हो गया है मेरे सोफा कम बेड का। अब अगला दुपट्टा मैंने ले लिया है, जिस दुपट्टे का मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था उसी से मैं यहाँ पे टेबल रनर बना के दिखा रही हूँ। तो दुपट्टे को मैंने डबल कर लिया है और इस तरह से बीच में डाल दिया है और एक टेबल रनर बन गया है। तो लग रहा है ये भी बहुत प्यारा, देखिए तो लग रहा है ना सुंदर। मुझे उम्मीद है ये भी आइडिया आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हम टेबल कवर भी बना सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ये बड़ा सा दुपट्टा लिया है और इसको मैंने दोनों तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया क्योंकि काफ़ी लंबा था। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है आज के आपको सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।